वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो है टाइप्स ऑफ विस्की। अगर आप विस्की एंथुसियास्ट हैं और काफी टाइम से विस्की को एंजॉय करते आए हैं तो ये जो टाइप्स ऑफ विस्की, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो, अगर आपको मालूम है तो आप जा सकते हैं ये वीडियो छोड़ के। टाइप्स ऑफ विस्की को लेकर काफ़ी गलतफहमियां हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो के दौरान। जैसे कि टाइप्स ऑफ विस्की का मतलब हम लोग समझते हैं कि अमेरिकन विस्की है, बर्बन विस्की जिसको बोला जाता है, स्कॉच विस्की है, जापानीज विस्की है, राई विस्की है, ऐसे काफ़ी कुछ जो बेसिकली रीजन है उसको हम लोग सोचते हैं टाइप्स ऑफ विस्की। अदरवाइज काफ़ी काफ़ी टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि शायद सिंगल मॉल्ट जो है वो टाइप ऑफ विस्की में है या ब्लेंडेड विस्की है वो भी टाइप्स ऑफ विस्की में है। यहाँ पर आप सही भी है गलत भी है, कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है इस वीडियो के दौरान आप जान पाएंगे। तो चलिए आराम से समझते हैं कि टाइप्स ऑफ विस्की क्या है। टाइप्स ऑफ विस्की सेपरेटेड इन सर्वल ग्रुप्स लाइक बेसिक टाइप्स, कंबाइंड टाइप्स एंड रीजनल टाइप्स। अब बेसिक टाइप में क्या आता है, जैसे कि माल्टेड विस्की और आपका ग्रेन विस्की, और कंबाइंड टाइप में काफी कुछ आता है जैसे कि सिंगल माल्ट विस्की, सिंगल कास्क और सिंगल बैरल विस्की, ब्लेंडेड माल्ट विस्की, ब्लेंडेड विस्की एंड कास्क स्ट्रेंथ विस्की। और रीजनल टाइप्स में जैसे कि आता है अमेरिकन विस्की, स्कॉच विस्की, आयरिश विस्की, कैनेडियन विस्की, जापानीज विस्की, ये सब रीजनल कैटेगरी में आते हैं। और इन सब कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स को अगर हम साइड करके आसान तरीके से समझे तो मैं बोलूँगा कि 4 टाइप्स ऑफ विस्की होता है। रीजनल को जो मैं पीछे रखूँगा या लास्ट में रखूँगा। 4 टाइप्स में जो होता है वो है सिंगल माल्ट विस्की, ग्रेन विस्की, ब्लेंडेड माल्ट विस्की एंड ब्लेंडेड विस्की। ध्यान से समझिए मेरे बात को। सिंगल माल्ट विस्की जो होता है वो 3 शब्दों से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सोचिए, सिंगल माल्ट विस्की, सिंगल यानी सिंगल डिस्टिलरी, माल्ट यानी माल्टेड बार्ली जो है वो है सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो सिंगल माल्ट को बनाया जाता है, और विस्की जो सिंपल है हम लोग विस्की से ही डिस्कस कर रहा है। तो ये जो 3 वर्ड है यही है सिंगल माल्ट। अब आते हैं ग्रेन विस्की की तरफ। ग्रेन यानी इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स को यूज किया जाता है। यहाँ पर माल्टेड बार्ली आप यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि कॉर्न, राई, फिर मेजी, व्हीट्स, सबको कंबाइन करके भी बनाया जा सकता है या सिंपली एक ग्रेन को लेकर के भी ये विस्की को बनाया जा सकता है। अब आता हूं ब्लेंडेड माल्ट विस्की। ध्यान से सोचिए ब्लेंडेड माल्ट। अगर ब्लेंडेड माल्ट का एग्जाम्पल मैं बोलूं तो देखेंगे मंकी शोल्डर जो है विस्की, वो है सिंग ब्लेंडेड माल्ट विस्की का उदाहरण। ध्यान करेंगे तो सिंपली उसमें लिखा है माल्ट विस्की, नॉट सिंगल माल्ट विस्की, क्योंकि उसमें कंबिनेशन है डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगल माल्ट का। यानी वो डिस्टिलरी जो सिंगल माल्ट विस्की बनाता है और साथ साथ वो काफ़ी अदर डिस्टिलरी से सिंगल माल्ट विस्की को खरीदता है और इकट्ठा उसको ब्लेंड करता है। बनाने का मकसद यही है कि अगर सिंगल माल्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो ब्लेंडेड माल्ट थोड़ा सा बजट फ्रेंडली होता है, तो इसमें क्या होता है सेल ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ब्लेंडेड माल्ट विस्की। अब आता हूँ ब्लेंडेड विस्की, जो जैसे कि जॉनियो का ब्लैक लेबल है, ऐसे तो बहुत है ब्लेंडेड विस्की, 100 पाइपा, ब्लैक डॉग, जेन बी, वैलेंटाइन, बहुत है। ये जितने भी ब्लेंडेड विस्की है इसको बनाया जाता है सिंपल एक तरीका से कि एक डिस्टिलरी खुद विस्की बनाएगा और काफ़ी अलग अलग डिस्टिलरी से अलग अलग कैटेगरीज का विस्की को खरीदेगा और एक जगह कंबाइन करके उसको ब्लेंड करके आपके पास हाजिर करेगा, तो उसको बोलते हैं ब्लेंडेड विस्की। और ये 90% डिस्टिलरीज बनाते हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, क्योंकि इसका डिमांड सबसे ज्यादा है चारों तरफ। तो ये रहा टाइप्स ऑफ विस्की का। और रीजन का जब बात बोल रहा था मैं, जैसे कि अमेरिकन विस्की, जापानीज विस्की, इंडियन विस्की, आयरिश विस्की, कैनेडियन विस्की, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रीजन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक विस्की है जो जहां बनता है खुद उस रूल्स को फॉलो करते हुए बनाना पड़ता है, उस कंट्री का रूल्स को फॉलो करते हुए बनाना पड़ता है, तो इसको हम लोग रीजन कैटेगरी में या ओरिजिन कैटेगरी में डालते हैं।
ये टाइप्स ऑफ विस्की जानना क्यों जरूरी है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप कभी सिंगल मॉल्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप नीट पिए, क्योंकि सिंगल मॉल्ट एक ऐसा टाइप्स ऑफ विस्की है जहां पर नीट सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। साथ साथ आप डैश ऑफ वाटर के साथ भी सिंगल मॉल्ट को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेन विस्की ऑर्डर किया जो बेसिकली जैक डैनियल होता है, जैसे कैनेडियन क्लब्स होता है, ये जो आयरिश विस्की जेमिसन होता है जो बेसिकली ग्रेन विस्की होता है, अगर आप ग्रेन विस्की ऑर्डर करते हैं तो तब जाके आप कोक, सोडा या लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ आइस देकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की ऑर्डर करते हैं तो आप उसके साथ सोडा, वाटर कुछ भी मिला सकते हैं, लॉट ऑफ आइस के साथ भी मिला सकते हैं, इवन आप बहुत अच्छा कॉकटेल भी तैयार कर सकते हैं ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की से। अगर आप ब्लेंडेड विस्की खरीदते हैं तो आपका मर्जी आप कैसे एंजॉय करें। ब्लेंडेड में उतना फ्लेवर नहीं रहता है या उतना नोट्स नहीं रहता है कि आपको नीट पीना पड़े, मोस्टली आप उसके साथ आइस, वाटर, सोडा या उस किस्म का कुछ ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ विस्की जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बार में जाएंगे अगर आप टाइप्स ऑफ विस्की के बारे में जानते हैं तो आप शायद मिक्सचर जो आप उसके साथ ऐड करेंगे वो सही रहेगा। तो ये था टाइप्स ऑफ विस्की। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड रिमेंबर, डोंट ड्रिंक्स एंड ड्राइव। टाटा।